हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सेस क्लासेस। माय नेम इज रितु और यहाँ पे हम कर रहे हैं हमारा 11th क्लास का सिलेबस। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन। हमने हमारा पाइथन लैंग्वेज वाला चैप्टर है जो वो स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम देखते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन में कितने कीवर्ड्स होते हैं। जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं उनको रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। टोटल हमारे पास 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। अब इसमें जो तीन जो कीवर्ड्स होते हैं फॉल्स, नन और ट्रू, ये क्या होते हैं कैपिटल, जो इनका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है। बाकी जो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास वो सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो हमारे पास कितने कीवर्ड्स होते हैं, 33 कीवर्ड्स होते हैं। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फोर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नॉट और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद और यील्ड। अब इनको आप तीन चार बार अगर बुक से रीड करोगे तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे कि कितने हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, क्लास है, हम किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। डेल किसी को डिलीट करने के लिए, डेफ कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम डेफ का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास फोर है, लूप को लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं फोर लूप। इन ऑपरेटर है, ये जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं वो क्या हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, मतलब इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो जो ये सारे कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स में से हम अपने वेरिएबल में कोई की डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई भी किसी के नंबर्स का पासिंग मार्क्स के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं वहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो पास नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि पास क्या है, कीवर्ड है, वो एक रिजर्व वर्ड है। तो कोई भी वेरिएबल के अंदर हम इन कीवर्ड्स में से किसी कीवर्ड को नहीं लिख सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो हमें एरर शो करेगा। तो ये थे हमारे पाइथन के कीवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, उसके क्या क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं हमें किसी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।